नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। दोस्तों, मिर्चपुर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा मिर्चपुर कांड के तहत, लेकिन आज जो है मामला एक और नया निकल करके आया है, जहां पर मिर्चपुर के ही एक व्यक्ति के ऊपर जो है लाठियों के साथ हमला किया गया है। ऐसा इनका आरोप है कि अपने ही जो है रिश्तेदारी में से इनके भाई जो है इनके घर पर शराब पी करके आए थे, जब उन्हें अपने घर छोड़ने गए तो इनके ऊपर इस तरीके से इनके भाई ने और साथ ही जो है उनके पिता ने डंडों के साथ हमला बोल दिया। पूरा मामला क्या है, चलिए इनसे जान लेते हैं क्या हुआ। इतनी चोटें जो है आपने आपके लागे क्यों कर रहे हैं सिर में? उठने मारे जी, जो को शराब पी के आया मेरे तो रख रहा। हाँ, कौन थे एक बार शुरुआत से बताओ कि कौन लगते हैं, क्यों आपके? मौसी का लड़का है। आपकी सगी मौसी है? हाँ, ठीक है। हाँ है क्या तो फिर मैं छोड़न भी कैप्टा है क्या, दोबारा फिर आ गया, फिर मैं तो ले गया करा है कि सब आप दो रुपये रखे थे उधर भी आज तीन लठ मारे खाना ही शर्म में दोनों बाबू पिटे ने सिर में लठ मारा है। अभी कितने टाके आए हैं? 11 टाके आए हैं। और अभी क्या FIR होगी आपकी? होगी जी, FIR होगी है। और क्या जो रुका जाने के बाद बयान, रुका जाके बयान हो चुका? ना जी, बयान नहीं आया बोले। अब तो कोई बयान नहीं? ना, कोई नहीं आया बोले। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अभी सिर में घाव जो है कितना गहरा है, अभी आगे दवाइयाँ या आगे ट्रीटमेंट क्या चलने वाला है? कुछ नहीं, ला कल टाके लाए थे सामने जब पता ही नहीं, टाके लगाने के बाद अब तक आपको संभाला नहीं है? किस टाइम से आए हुए कल सिविल अस्पताल में? 11 बजे आए थे, कल शाम 11 बजे। हाँ, और ये देखो कि कल शाम 11 बजे से जो है अगला दोपहर हो चुका है, अभी तक जो है ठीक से इसे पट्टी तो बांध दी गई है, लेकिन अभी तक जो है सफाई नहीं की गई है। और आरोप है कि जहाँ से मिर्चपुर गांव के सिविल अस्पताल में इन्हें सबसे पहले उठा करके ले जाया गया था, और वहाँ पर जो है इनके सिर के अंदर टांके भी नहीं भरे गए, वो भी यहाँ आकर के भरे गए हैं। वो एक बार मामला क्या है वो इनके बड़े भाई से हम जान लेते हैं। जी, पहले वापस रेफर कर दो। पहले कहाँ लेके गए थे आप? गांव में जी। ठीक है, वहाँ क्या बोले? वहाँ तो दाबी का पट्टी भी लाई थी, हार ले जाओ, मैं टाके टुके लगा दो, बोले यहाँ नहीं लगे, जल्दी जल्दी था उसको गाड़ी ले आओ, गाड़ी खड़ी थी, मैं इसका ड्राइवर, बोले इसका ड्राइवर को दिन दिन की ड्यूटी कर रहा है, रात में कोई ड्राइवर नहीं, अपने खुद की गाड़ी लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो फिर आप यहाँ लेकर यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद यहाँ के सिविल अस्पताल प्रशासन ने क्या कहा? पूरा कुछ निकाल जी, पूरा देख कल हाथ में, हाँ तो पकड़ पकड़ के लिया डॉक्टर ने, हाँ देखा बे लिया, फिर पट्टी खोल लिया, मैं फिर मना कर गया, बेला उड़े टाँके को भरे थी उल्टा रेफर कर दो, महा हाथ पैर जोड़ के जिमा भर दो, कोई बात नहीं जी, मामा ने इसी चीज़ा बेर होता जी, जिम्मे महा कह सुन के बेला टीका लगा आधा घंटा पास करा घंटा पास पौना घंटा पास टाँके मसा टाँके भरे जी। इतने चक्कर जो है आपने रात को काटे हैं, सिर में चोटें आई हैं, टाके आए हैं, उनको टाकों को भरवाने से पहले जो है इतने चक्कर इनको कटवाए गए हैं, उसके बाद सुबह से क्या कुछ इनका जो है चेकअप किया गया है? नहीं जी, इसका बार बार उल्टी पड़े हैं, बार बार डॉक्टर के पास जावा, मैं जी उल्टी पड़े हैं, भले वो एक्सरा उधर आके है CT स्कैन, भले वो लेगी रिपोर्ट जो पास कार्रवाई होगी, कह सुन के महा दो टिक्के हिलाए थे कंप्यूटर ने, हाँ लेबर फिर उल्टी चक्कर नुमा जी, बेला उस बिना कुछ नहीं कर सकते मैम, उस बिना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। अरे इब तक फिर यह भी आई ली, इब तक कुछ नहीं कराया, ऊपर कर दिया मैम रेफर, ऊपर आए बस अभी कोई सुनाई नहीं जी, अब तो कोई सुनवाई नहीं। अभी इनके साथ में दो होंगे, मैं एक बेड पर दो कुकर होंगे जी, कड़ा कानून है जी, मैं बेला ना दो होंगे, अरे अपना पैर भी जोर के करो, नीचे जाओ बेला थोड़ा बात कर लो डॉक्टर, थोड़ा जाए बस अभी नाइट के जी। अच्छा, बेला एक बेड पर दो पेशेंट्स को लिटाया हुआ है, और ये देखिए कि चोटें जो है किस कदर सिर पर आई है, दूसरा पेशेंट वो वहाँ पर बैठा हुआ है, और एक एक बेड के ऊपर दो दो तीन तीन पेशेंट्स जो है बैठे हुए हैं। और ये हाल हिसार शहर के सिविल अस्पताल के उस दिन है जिस दिन हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है हिसार के अंदर हैं, साथ ही कुछ ही दिनों पहले जो है एक बड़े से अस्पताल का इनॉग्रेशन पे वो पहुंचे थे, इनॉग्रेशन वो करके गए थे। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को छोड़ दें, तो सरकारी अस्पतालों के हालात आप देख सकते हैं, जहाँ एक एक बेड के ऊपर दो दो पेशेंट रहने को मजबूर हैं। और वहीं अगर जिस तरीके से बात जो है बताई जा रही है कि घर पर या गाँव के अंदर इस तरीके से झगड़ा एक हुआ, इनके ऊपर जो है वार हुआ, उसके बाद जिस हिसाब से इन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था उस हिसाब से इन्हें अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। पुलिस की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई दे रात ने मेरे तो फोन आ चुके 10:30 बजे, बोला बड़ा आदमी का चोट मार दी, मैं चोट लग के गुंदरी मारी डॉक्टर हो बस, फिर बोला वो तो डॉक्टर ने लिख के दे दी मारे कागज, उसके कागज मारा दो रह गए, मैं मारे ही तक कोई नहीं गए जी, बोला ना वो 72 साल का आदमी, उसका भी चोट लग रही है। अच्छा। मैं चलो लग रही है तो वह भी देखी जी, मैं मारे पे दबाव डाल रहे हैं जी, उनके सिफारिश ज्यादा है जी। अच्छा, आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं समझौते के लिए?
ना समझौता जगरा कौन सा लिया बेले 72 साल लगा दी मेरी इसका चोट मार रखी है। अच्छा तो मतलब क्रॉस केस आप लोगों को हाँ, बस क्रॉस इस, अगर इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष आकर के अपनी बात जो है सिटी पिक न्यूज के ऊपर अगर रखना चाहता है तो वो आकर अपना पक्ष भी रख सकते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ। हालांकि इन्होंने जिस तरीके से बताया कि शराब पीकर आप ही के घर पर आए थे, वो यहाँ घर के आसपास आए थे, अपना घर आए थे, घर पे ही आए थे। इससे पहले क्या किसी तरीके की रंजिश थी आपके साथ? कुछ नहीं, मेरे साथ में बैठे थे ठीक बतलावा थे मौसी का लड़का था। हाँ। मेरी माँ धोरे बैठा था। हाँ। वो तो फिर शाम में होया है, मैं जीन चलिया गया, फिर होया इनके कहा सुने और भी बैठा देगा था पड़ोसी। अच्छा। हाँ गाला गाला हो गया, रोजी छोड़ भी क्या ओडो जाके मैं रही बाबू बैठे मौका देख के जी। तो ये पूरा मामला भाई मिर्चपुर गांव से जहां पर जो है इनके ऊपर इस तरीके से अचानक से हमला किया गया, इनका ऐसा कहना है, ऐसा आरोप इनका है। हालांकि पुलिस प्रशासन और अस्पताल की तरफ से जो है ट्रीटमेंट जैसा इन्हें मिल रहा है ये उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड अपने आप को नहीं बता रही हैं और बड़ा सवाल जो है उठा रहे हैं। यार इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।